एक बार फिर से मोरडक का पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया। वहीं एक्वाडक्ट पुल पर पहुंच मार्ग की मरम्मत के बाद रविवार सुबह से वापस बस एवं हल्के वाहनों के लिए आवागमन शुरू कर दिया। इससे खंडवा और इंदौर जाने वाली यात्री बसों को राहत मिली है। पिछले दिनों ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा का जल स्तर बढ़ने के कारण एक सप्ताह में दो बार मोरटक्का पुल पर आवागमन को बंद कर दिया था। इसके बाद मोरटक्का पुल की दूसरी पिल्लर पर दिखी दरार से असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई थी। NHAI एवं अफसरों से केवल एक ही बात सुनने में आ रही थी कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद ही आवागमन शुरू करेंगे। हालांकि एक सप्ताह पहले से मोरटक्का पुल पर बिना मरम्मत किए ही छोटे वाहनों के लिए आवागमन शुरू कर दिया गया था। वहीं बसों को एक्वाडक्ट पुल से निकाला जा रहा था, लेकिन तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर एक्वाडक्ट पुल एवं पहुंच मार्ग पर जगह जगह गड्ढों की फोटो वायरल हुई, तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने निरीक्षण के बाद एक्वाडक्ट पुल से भी आवागमन पर रोक लगा दी थी, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। SDM BS कलेश ने बताया कि एक्वाडक्ट पुल एवं पहुंच मार्ग पर से आवागमन बंद होने के कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा था, इसीलिए रात भर मरम्मत का कार्य करवाकर रविवार सुबह से बस एवं हल्के वाहनों के लिए आवागमन शुरू कर दिया है। वहीं मोरटक्का पुल पर आवागमन को बंद करके वहां मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। बढ़वा से निर्मल दुबे की रिपोर्ट।